हम लोगों का दोस्त लोग को पकड़ा है उधर पे आगे आर्मी एरिया में है। अभी हम लोग क्या करेंगे पता नहीं, पहले भी एक चेकिंग पार करके आए हम लोग। हम लोगों को 2 घंटा लग जाएगा दुधिया पहुंचने के लिए। भाई एक दोस्त का बोले स्कूटी बंद हो गया आगे, सब कुछ खोल दिया है, बोल रहा है इंजन सीज हो गया है। आज हम लोगों का किस्मत बहुत ही बुरा था। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे। आज है 20 जुलाई 2023 और मैं आया था कॉलेज, तो क्लास ख़त्म हो जाने के बाद दोस्त लोग बोले चलो घूम के आते कहीं, तो हम लोगों ने प्लान बनाया दुधिया जाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ दुधिया कैसा है जगह, कैसा है उसका वाइब। तो मेरा दोस्त लोग तो आगे निकल गया, मैं रह गया पीछे ब्लॉग शूट करने के चक्कर में। तो चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों से। ट्रिपलिंग के धोर से हो दिखे ट्रिपलिंग के धोर से ब्रिज के सामने, ट्रिपलिंग को ब्रिज के सामने पकड़ रहा है। अरे बाप, क्या होगा तेरा है क्या? पता नहीं, आर्मी वाले तो देगा तो उनको अच्छे से पकड़ के। नहीं नहीं नहीं, वो अर्णव आगे रुका है, वो दोनों सिर्फ पीछे है। अरे कहना क्या चाहते हो? ना थक जाते हो ना, हमरा के लिए हमरा पास करो, तो दरकार नहीं आर्मी वाला का भरोसा। चले आज चलान नहीं काटेगा, बस बोल लिया। एक्चुअली वो लोग का भी गलती है, वो लोग रुक गया होगा शायद उधर में, कुछ किया होगा नहीं उसके लिए वो लोगों को पकड़ा है, नहीं तो नहीं पकड़ता। अभी देखते हैं, जिन दोस्त को पुलिस ने पकड़ा था वो लोगों का फोन आया, वो लोग बोले निकल जाओ हम लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी दुधिया के ओर। गाइस इधर पे हम लोग रुके हैं, दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं। वो 2 घंटा लग जाएगा दुधिया पहुंचने के लिए। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, तो बहुत गर्मी है, ये लोग को पुलिस पकड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो चलिए दोस्त लोग सभी को आने देते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। गाइस ये दोस्त लोग आ रहे हैं, और दो कहाँ है गाइस, ये दोस्त लोग आ गए हैं और कोई आ रहा है पीछे, तो हम लोग निकल रहे हैं आगे दुधिया पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसे करके हम लोग दुधिया पहुंचेंगे ही नहीं, तो उसके लिए आगे हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं अभी, यहाँ से दोस्त लोग भी आ गए, सब कोई आगे निकल गया है, निकलो हम लोग भी निकलते हैं। चलिए गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए दुधिया के ओर। ये आप लोग देख सकते हैं दुधिया बाजार का बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग पहुंच गए दुधिया। सामने जाएंगे, सामने है पिकनिक स्पॉट, उधर भी जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल मैं तो रुका हूँ अपने दोस्त का वेट करने के लिए, दोस्त लोग पीछे है, आ रहे हैं दोस्त लोग, तो उसके लिए मैं इधर पर रुकता हूँ थोड़ा देर, उन लोगों को आने देता हूँ, बाद में एक साथ चलते हैं जहाँ पर हम लोग रुकेंगे। दोस्त लोग आगे निकल गए, मैंने उन लोगों को बोला मत रुको आगे चला जाओ, क्योंकि वो लोग अगर रुकते तो इधर में और लेट हो जाता है, वैसे भी लेट हो गया है हम लोगों का।
क्या हुआ भाई? भाई एक दोस्त का बोले स्कूटी बंद हो गया आगे, अभी उसको क्या करेंगे वही सोच रहे हैं हम लोग। एक ही चीज कर सकते हैं स्कूटी का, चलो चलो ये लोगों को रख के बाद में हम लोग को जाना पड़ेगा, तो जाएंगे हम लोग जाते हैं आगे, आगे जाके उधर में अच्छा जगह देख के रुकते हैं, बाद में वो दोस्त के बाद जाएंगे। गाइस हम लोग दुधिया बाजार में एंट्री मार रहे थे, तभी एक दोस्त का फोन आया, उसका स्कूटी बंद हो गया, स्टार्ट नहीं ले रहा है स्कूटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे वही सोचा है, तो फिलहाल तो प्लान बनाया है आगे जाके कहीं पे रुकने का, उसके बाद अगर लगता है, एक दोस्त गया है उसको उसके पास, तो अगर लगता है हम लोग भी जाएंगे, तो चलिए आगे जाते हैं। আরে ওরা আসুক, কেউ আসে নাই, শুধু সিধা গেলেই হবে নাকি? মাথা কম বুঝিস। গাইজ হামলোক পৌঁছ গে দুধিয়া, ইয়ে ব্রিজ ক্রস করকে হামলোক রুকে ইধার পে, দোস্ত লোক কা ওয়েট কর রহে হ্যায়, বহুত কোই দোস্ত লোক পিছে হ্যায়, হাম তিন মতলব তিন স্কুটি মতলব মতলব দো স্কুটি এক বাইক আকে পৌঁছা হ্যায় ফিলহাল, তো ও লোক কা ওয়েট করতে হ্যায়, বাদ মে দেখতে প্ল্যান কিয়া হ্যায়, ক্যুঁকি অভি তক প্ল্যান কিসি কো নাই পতা হ্যায়, वो लोगों को आने देते हैं तब मिलते हैं आप लोगों से। गाइस मेरा दोस्त लोग आया है, कुछ दोस्त लोग नहीं आ पाए क्योंकि एक दोस्त का स्कूटी ख़राब हो गया था, इंजन सीज हो गया, तो उसके लिए वो नहीं आ पाए, बट आप लोगों को तो दिखाना ही है, तो उसके लिए हम लोग आगे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पर बैठेंगे हम लोग। अभी अच्छा जगह है बोल रहा है दोस्त लोग, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ वो जगह, मैं ऐसे दुधिया में आया था, दुधिया का वो रिवर साइड में बैठा था पहले, बट वहाँ पर नहीं गया, ऊपर में बोले झरना है एक तो, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। ये हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हम लोगों को आना था, यहाँ पे झरना वगैरह है जहाँ पे आप लोग आके नहा सकते हैं। हम लोग तो इधर पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोगों का दोस्त का उधर में स्कूटी ख़राब हो गया, तो उधर पे जाना पड़ेगा उसका, वो तो फ़ोन करके बोला उसका स्कूटी का इंजन सीज हो गया है। आज किस्मत ही बहुत बुरा था, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, पहले तो पुलिस पकड़ा दो बार, कुछ दोस्त को बहुत टाइम तक रुका के रखा, पेपर्स वेपर्स चेक किया ठीक से, उसके बाद आया दोस्त का स्कूटी ख़राब हो गया, तो अभी क्या ही करें। फिर भी हम लोग आ गए, वो 50% दोस्त लोग तो आया ही नहीं, वो लोग आगे ही है, वो स्कूटी बनाने के लिए रुका है, बट हम लोग आए आपको दिखाने के लिए, आप लोग थोड़ा व्यूज एंजॉय कीजिए। गाइस कैसा लगा यहाँ का व्यू आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, जगह बहुत ही पीसफुल है, शांति है, और गर्मी में नहाने के लिए तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे तो नहाने का मन कर रहा है, बट क्या करूँ नहा नहीं पाऊँगा, कुछ लाया नहीं टॉवल वगैरह, और दोस्त लोग उधर पे है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से व्लॉग बनाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब इधर पे नहाएंगे ज़रूर, आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी तो कुछ भाई लोग नहा रहा है उधर पे देखिए, तो उनको देख के मुझे भी नहाने का बहुत ही मन कर रहा है, बट क्या ही करें नहीं नहा सकते। यहाँ पे एक मंदिर भी है, आप लोग आके जा सकते हैं मंदिर पे भी, मेरा दोस्त लोग गया है अंदर बट मैं नहीं गया,
क्योंकि मैं नहाया वगैरह नहीं, घर जाके नहाऊंगा अभी। तो अभी हम लोग निकलते हैं इधर से, दोस्त लोग फोन करता जा रहा है, तो आप लोगों से मिलते हैं स्कूटी पे। गाइस ये हम लोग आके पहुंच गए जहाँ पे मेरा दोस्त का स्कूटी बन रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं स्कूटी, सब कुछ खोल दिया है, बोल रहा है इंजन सीज हो गया है। क्या ही किस्मत है, आज हम लोग का किस्मत बहुत ही बुरा था। गाइस स्कूटी का इंजन पूरा सीज हो गया है, तो इधर पे अभी मैकेनिक के पास है, बन रहा है स्कूटी, तो बनने देते हैं, बनने के बाद लेके जाना पड़ेगा, अभी क्या ही कर सकते हैं, वेट करके लेके जाना पड़ेगा ही। तो गाइस उधर पे सब दोस्त लोग उधर पे बैठे हैं, सभी वेट कर रहे हैं, तो बनने के बाद एक साथ लेके जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, एंड मुझे मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट्स और वीडियोस लेके आ पाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस।